आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी, और अगर आप लोग पत्रकारों को सुनते रहते होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ये है आपकी आरफा खानम शेरवानी। और अभी वर्तमान में देखें तो ये दा वायर में काम करती हैं, और आप देखेंगे कई लोगों के इंटरव्यू भी लेते रहते हैं, और अच्छी वरिष्ठ पत्रकार भी मानी जाती हैं। और ऐसे कम ही पत्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, जो पत्रकारिता के एक नाम को बचा के रखे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, लेकिन आज मैं अभी वर्तमान में देखिए मीडिया का क्या हाल है। जो काम मीडिया को करना चाहिए उससे दूर दूर तक उसका कोई लेना देना ही नहीं बचा हुआ है। तो अभी भी अगर कोई पत्रकार अपना धर्म निभा रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग सामान्य बात कर लेते हैं कि आखिर आरफा खानम शेरवानी हैं कौन, इन्होंने कहां से अपना करियर की शुरुआत की हुई थी। और पिक्चर आप लोगों को सामने दिखाई दे ही रही है, और दा वायर में अभी भी आप लोग कई इंटरव्यू इनके चल रहे हैं, वहां जाकर आप लोग देखिए। तो इनका नाम आरफा खानम शेरवानी है, और 1 नवंबर 1980 को इनका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएससी करती हैं, और उसके बाद अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा करती हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया से डॉक्टरेट करती हैं। तो आप इससे आप लोगों को ये भी मालूम चल जाता है कि हाँ पढ़ी लिखी भी है, ठीक है। और इनके व्यवसाय की बात करें यानी कि काम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पत्रकार है, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और याद रखिए जब आप कोई काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो आने वाले इतिहास में तो आपका नाम लिखा ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर अच्छी दुनिया रही, ठीक ठाक समय रहा, तो आपको पुरस्कारों से भी नवाजा जाता है। तो इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, रेड इंक सम्मान भी, और हिंदी अकेडमी का साहित्य सम्मान भी दिया गया है, और चमेली देवी जैन पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इन पुरस्कारों को भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग इनकी पत्रकारिता की जीवन की बात करें, करियर की बात करें, और आप सभी लोग देख रहे हैं कि उन्हीं के पत्रकारिता में होने के कारण ही हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं, वरना हम लोगों को क्या मतलब था। तो खानम ने 2000 में सन 2000 में पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। वह पायनियर में एक प्रशिक्षु के रूम में शामिल हुई, और बाद में उन्होंने द एशियन एज और फिर सहारा टीवी के साथ काम भी किया। वह एक प्रमुख संवाददाता और न्यूज एंकर के रूम में एनडीटीवी इंडिया से भी जुड़ी रही। और याद रखिए एनडीटीवी इंडिया आप सभी जानते होंगे कि 1988 में आया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे 2017 तक राज्यसभा टीवी के लिए काम किया उन्होंने, और उन्होंने तेहरान से ईरानी राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव और काबुल से अफगान राष्ट्रपति चुनाव 2014 को कवर किया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा ए है, एक बार पहले आप लोग ईरान को और अफगानिस्तान को और भारत को देख लीजिए मैप में। तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखेंगे तो एशिया में हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा, और अपने पड़ोसियों के देखें तो श्रीलंका नीचर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ आप लोग म्यांमार देखेंगे, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और यहाँ आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान, और देखिए अफगानिस्तान आपको ये देखने को मिलेगा, और ईरान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इन्हीं देशों की बात हो रही है कि जब यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव थे तो उस समय उस चुनाव को खानम ने, यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो आरफा खानम शेरवानी है, इन्होंने इस चुनाव को कवर किया हुआ था, चुनाव की रिपोर्टिंग की हुई थी एक तरह से। और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान चुनाव की रिपोर्टिंग करने वाली एकमात्र भारतीय पत्रकार कौन है, आरफा खानम शेरवानी। तो इसके कारण भी ये काफी चर्चा में रही थी। और अभी अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो आरफा वर्तमान में दा वायर के लिए काम कर रही हैं, जहां वह आरफा का इंडिया नामक शो की मेजबानी भी कर रही हैं।
और आपको बताया हुआ है कि कई इनके इंटरव्यू फेमस भी होते हैं और कई चर्चा में भी रहते हैं। और आप देखिए एनआरसी को लेकर देख लीजिए, या फिर आप देखिए कि आपने कई मुद्दों को लेकर ये जब बयानबाजी करती हैं तो उस समय भी चर्चा में रहती है और कई बार इनकी आलोचना भी की जाती है। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर कहीं भी होते हैं तो आपके कुछ प्रशंसक भी होते हैं, कुछ आलोचक भी होते हैं और होना भी चाहिए। खैर आप लोग बताइए, अगर कोई और पत्रकारिता के पत्रकार के बारे में बात करनी है तो हम लोग करते रहेंगे। वैसे हमारी ये सीरीज चल रही है, देश के सभी पत्रकारों को, किसी भी धारा के हों, मुख्य धारा के हों या विपक्ष धारा के हों, सभी को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक बहुत सारों को हम लोग कवर कर चुके हैं, जिनमें आप देखिए एनडीटीवी के रवीश कुमार या फिर अभिनव शर्मा, इस तरह के कई, विनोद दुआ जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आप भी देखिए उनका भी किस तरह से संघर्ष रहा है, और उनके तरह के कम ही पत्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बायोग्राफी जीवनी के नाम से एक प्लेलिस्ट, सूची बनी हुई है, उसमें जाकर आप लोग इन लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है,